हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग जेई में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हमने 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस को हम आज पिक करेंगे। और इसमें आज हम लोग दूसरा सेशन है ये हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का। तो इसमें हमने बहुत से टॉपिक लिए हैं, जैसे कि पार्टीशन एंड कैविटी वॉल लिया हुआ है, इसमें फाउंडेशन लिया हुआ है, फिर उसके बाद हमने डोर्स एंड विंडो लिया हुआ है, और वेंटिलेटर, आर्च एंड लिंटल्स, इतने टॉपिक हमने आज कवर किए हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द वॉल प्रोवाइडेड फॉर डिवाइडिंग वन रूम फ्रॉम अनदर इज नोन एज, एक कमरे को दूसरे कमरे से विभाजित करने वाली दीवार क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है ए लोड बियरिंग वॉल, भार वहन करने वाली दीवार, बी रिटेनिंग वॉल, सी कैविटी वॉल, डी पार्टीशन वॉल। तो फ्रेंड्स, एक कमरे को दूसरे कमरे से अलग करने के लिए हम लोग पार्टीशन वॉल का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि फ्रेंड्स, ये पार्टीशन वॉल जो होती है मिनिमम 2 मीटर की रखी जाती है, फ्रेंड्स। और इसका यूज़ करते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पर? तो आप जानते हो कि कॉलेजेस में, स्टेशंस और इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, होटल्स वगैरह में इसका यूज़ करते हैं, ये पार्टीशन वॉल का, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं फ्रेंड्स। द टाइप ऑफ पॉइंटिंग इन विच वी शार्प प्रोजेक्शन आउटसाइड द वॉल सरफेस इज प्रोवाइडेड इज कॉल्ड, वह टिप जिसमें दीवार की सतह से बाहर की ओर वी आकृति का उभार दिया हो कहलाती है। आपके ऑप्शन है ए रिसेस्ड पॉइंटिंग, बी वेदर पॉइंटिंग, सी वी पॉइंटिंग, डी टक पॉइंटिंग। तो आपके ऑप्शन ये फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट होगा? करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन फ्रेंड्स। वेदर पॉइंटिंग में आपके जो टीप होती है वो दीवार जो होती है वी आकृति का उभार दिया होता है। तो फ्रेंड्स, इसका फिगर दिखा देता हूँ मैं आपको कैसा होता है वेदर पॉइंटिंग का। फ्रेंड्स देखिए, वेदर पॉइंटिंग में वी आकृति के रूप में एक प्रोजेक्शन बनाया जाता है जो बाहर की ओर निकला होता है फ्रेंड्स, बाहर की ओर। और वी पॉइंटिंग में फ्रेंड्स, वी पॉइंटिंग में अंदर की ओर होता है, ये जो अंदर की ओर इसका प्रोजेक्शन बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये डिफरेंस है वेदर पॉइंटिंग और वी पॉइंटिंग में, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, कैविटी वॉल इज प्रोवाइडेड फॉर खोखली दीवार निम्नलिखित के लिए बनाई जाती है। आपके ऑप्शन है ए हीट इंसुलेशन, बी साउंड इंसुलेशन, सी प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस, और डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, खोखली दीवार हीट इंसुलेशन के लिए बनाई जाती है, साउंड इंसुलेशन के लिए बनाई जाती है, प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस, नमी को रोकने के लिए बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। द एक्सटीरियर एंगल बिटवीन आउटर फेसेस ऑफ अ वॉल इज नोन एज, दीवार के बाह्य फलकों के बीच के वही कोण को कहते हैं। फ्रेंड्स, दीवार के बाह्य फलकों के बीच के वही कोण को कहते हैं हम लोग कोनिया, ठीक है फ्रेंड्स, कोनिया। और कोनिया आप जानते हो कि जो ये कोनिया होनी चाहिए, आपकी टूट फूट की संभावनाएं बहुत इसमें अधिक रहती हैं, तो इसलिए बहुत ही सामर्थ्यवान इसमें आपका ब्रिक जो यूज़ करते हैं, जिसकी ज़्यादा सामर्थ्य हो वो वाला ब्रिक यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा कोनिया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू चेक डैम्पनेस अ नैरो हॉलो स्पेस कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द एक्सटर्नल वॉल्स इज नोन एज, सीलन रोकने के लिए बाहरी दीवारों के समानांतर बनाया गया एक संकरा स्थान कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हो कि वो कहलाता है एयर ड्रेन। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वायु वाहिका कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग फिगर इंडिकेट विच टाइप ऑफ मशीन फाउंडेशन, चित्र किस प्रकार के मशीन आधारित नींव का संकेत देता है? तो ऑप्शन है ए बॉक्स टाइप, बी ब्लॉक टाइप, सी वॉल टाइप, डी फ्रेम टाइप। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ब्लॉक टाइप। ये ब्लॉक टाइप का ये फिगर है, ठीक है फ्रेंड्स।
ब्लॉक टाइप का फाउंडेशन है। फाउंडेशन आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, तो आप समझ रहे होंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग ऑफ क्ले इज, मृतिका की इमारतों के लिए न्यू की न्यूनतम गहराई है, तो आप जानते हो फ्रेंड्स 90 सेंटीमीटर टू 160 सेंटीमीटर क्ले बिल्डिंग फाउंडेशन जो होती है, बिल्डिंग फाउंडेशन जो होगी क्ले से बनेगी, तो वो 19 सेंटीमीटर टू 160 सेंटीमीटर की होगी, 90 से 160 सेंटीमीटर होगी। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो फ्रेंड्स 0.9 सेंटीमीटर टू 1.6 मीटर। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, 0.9 टू 1.6 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अ प्री कास्ट फाइल जनरली यूज इज, सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला पूर्व निर्मित पाइल होता है। तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि प्री कास्ट पाइल जो होता है जनरली हम लोग स्क्वायर शेप में यूज करते हैं, स्क्वायर शेप में, कैसा होता फ्रेंड्स स्क्वायर शेप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, स्क्वायर शेप वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, द पाइल्स यूज टू प्रोटेक्ट कंक्रीट डेक फ्रॉम द एब्रेशन और इम्पैक्ट इज नोन एज, घर्षण या समघात से कंक्रीट डेक की रक्षा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइल को जाना जाता है, ए फेंडर पाइल्स, बी शीट पाइल, सी बैटर पाइल्स, और आपका डी है कॉम्पैक्शन पाइल। फेंडर पाइल, सीट पाइल, बैटर पाइल और संहनन पाइप। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल जल्दी से कमेंट सेक्शन में पिन करिए। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से करिए फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स, फाइंडर पाइल्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स, इन ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग द डीपीसी जनरली प्रोवाइडेड एट, सामान्य आवासीय एवं सार्वजनिक भवनों में सामान्यतः सील रोधी परत उपलब्ध कराई जाती है। फ्रेंड्स डीपीसी आप जानते हो कि न्यू के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, प्लिंथ लेवल के ऊपर हम लोग बनाते हैं डीपीसी, डीपीसी जो आपकी होती है सील रोधी परत, इसको कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द प्रोजेक्शन ऑफ हेड और सिल ऑफ अ डोर और विंडो फ्रेम आर डैश डैश, द्वार या खिड़की की चौखट के शीर्ष या दहली के प्रक्षेप डैश हैं, तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि वो क्या होते हैं, हॉर्न्स, क्या होते हैं फ्रेंड्स हॉर्न्स। तो आपको फिगर दिखा देता हूँ फ्रेंड्स इसकी, आप देखिए इसका हॉर्न कहाँ पर है आपका, ऊपर वाले को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, यही है आपका हॉर्न। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हॉर्न हो गया, ऊपर वाले को आप कहते हो, इसको कहते हो क्या, हेड हो गया आपका, इसको कहते हो आप फ्रेंड्स, इसको आप कहते हो हेड, ऊपर आप जो शीर्ष लिखा हुआ दिख रहा है ये आपका हेड होगा, और ये उपस्तंभ मतलब कि आपका क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, आपका ये कहलाएगा पोस्ट, इसको कहते हैं पोस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और ये देख लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 0.9 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 2.10 मीटर। यहाँ पर होल फांस लगाते, कुछ होल फांस लगाए जाएंगे, तो ये होल फांस हो गए आपके, कुछ होल पाल लगे हुए हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे फर्श हो गई आपकी ये, और ये 15 सेंटीमीटर का इधर से ये तब 15 सेंटीमीटर रहता है जो आपके ये वॉल में रहता है अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिप्रेशन और रिसेस मेड इनसाइड द डोर फ्रेम टू रिसीव द डोर शटर इज नोन एज डैश, दरवाजे के शटर को प्राप्त करने के लिए दरवाजे के फ्रेम के अंदर बने गड्ढे या रिक्ति डिप्रेशन या रिसेस को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, जल्दी बताइए, इसको जल्दी से कमेंट सेक्शन में पिन करिए। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से इसको कर दीजिए, तो आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से कर दीजिए, तो आप जानते हो कि इसको क्या कहा जाता है, पाताम कहते हैं हम लोग, जानते हो आओगे आप पाताम कहते हैं, पाताम कहते हैं, तो आप पाताम को आप इसमें देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, उसको खांचा कहेंगे, क्या कहेंगे, खांचा रिबेट, इसको ही कहते हैं पाताम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स, द विंडो विच प्रोजेक्ट्स आउटसाइड द
एक्सटर्नल वॉल ऑफ द रूम इज कॉल्ड एज डैश डैश, वह खिड़की जो कमरे के बाहरी दीवार पर बाहर की ओर लगी होती है कहलाती है। तो फ्रेंड्स आप जानते हो बाहरी दीवार पर लगी जो रहती है वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, बे विंडो, बे विंडो कहलाती है वो खिड़की। तो वो कुछ इस टाइप की होती है फ्रेंड्स, इस टाइप ऐसे 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 ऐसे। तो फ्रेंड्स इसका 3D फिगर बनाते हैं, तो कुछ इस टाइप का होगा, कुछ इस टाइप में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका इस टाइप में होगा, तो ये कुछ बाहर की ओर निकली हुई रहती है बाहर की ओर दीवार से, तो ये क्या कहलाती है, बी वे, बे विंडो कहते हैं, सॉरी बी बे विंडो कहते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं फ्रेंड्स। डैश द रिबेट्स इन द चौखट मे बी टेकन एज, चौखटों में खांचा डैश तक लिया जाता है। तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि चौखटों में जो खांचा होता है वो 12 mm से 20 mm के बीच लिया जाता है। कितना लिया जाता है, 12 mm टू 20 mm। ठीक है फ्रेंड्स, 20 mm। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, 12 mm टू 20 mm। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। विंडोज वेयर शटर ओपन लाइक डोर आर टर्म्ड एज, वे खिड़कियां जिनके शटर दरवाजों के जैसे खुलते हैं डैश कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि ये कौन सी खिड़कियां कहलाती हैं फ्रेंड्स, केसमेंट विंडो कहलाती हैं, जो दरवाजे की तरह खुलती हैं वो क्या कहलाती हैं फ्रेंड्स, केसमेंट विंडो, चौखटे वाली खिड़की, कैशमेंट विंडो उनको कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं फ्रेंड्स। अ वर्टिकल विंडो बिल्ट इनटू द स्लोपिंग साइड ऑफ द पिच रूफ इज नोन एज डैश, ढलवा छत की ढलान की तरफ बनी ऊर्ध्वाधर खिड़की डैश डैश कहलाती है। तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि ढलवा छत की ढलान की तरफ बनी ऊर्ध्वाधर खिड़की क्या कहलाती है फ्रेंड्स, छत खिड़की, अधिवातायन खिड़की, तिकोनी खिड़की, कोणी खिड़की, ऑप्शन है आपके। तो आपका ऑप्शन नंबर छत खिड़की बिल्कुल करेक्ट होगा, डॉर्मर विंडो, इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, डॉर्मर विंडो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ डोर फ्रेम आर टर्म्ड एज डैश डैश रिस्पेक्टिवली, दरवाजे के फ्रेम के ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज अवयव क्रमशः डैश डैश कराते हैं। तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि इसको क्या कहते हैं, ऊपर वाले को तो आपने बताया था, मैंने आपको फिगर दिखाई थी, तो उसमें कैसे ऐसे कुछ बना था आपका फिगर, कुछ इस टाइप में बनी थी फिगर वो। तो ये जो होगा ये आपका, ये आपने बताया था मैंने, हेड होगा, एच डी हेड, ये आपका हेड हो गया। इसको कहते हैं क्या, जैम, जैम, इसी को कहते हैं जैम। तो फ्रेंड्स तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पूछा है, तो वर्टिकल के लिए आपका कौन सा होगा, वर्टिकल के लिए जैम्स होगा और हॉरिजॉन्टल के लिए हेड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जैम्स एंड हेड, जैम एम हेड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ डोर इज सुटेबल फॉर कंटिन्यू हैवी रश ऑफ ट्रैफिक परसिस्ट, तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है ए फ्लश डोर, बी वायर गॉज डोर, सी नन ऑफ द अबव और डी है रिवॉल्विंग डोर। तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि बहुत सारी भीड़ जिसमें आएगी, भीड़ का आवागमन के लिए निम्न दरवाजों में कौन सा होगा, तो आपका रिवॉल्विंग डोर होगा, रिवॉल्व करता रहता है वो, बार बार खुलता रहता है, बंद होता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जानते हो कि ये कहाँ कहाँ लगाया जाता है, थिएटर या फिर पार्क वगैरह में देखा होगा आपने, रेस्टोरेंट्स वगैरह में देखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। द असेंबली ऑफ स्टाइल पैनल एंड रेल इज नोन एज, शुकिका पैनल व रेल के समुच्च को डैश के नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शन है ए ट्रांसोम उपसिरदल, बी शेषबार चौखट दंड, सी मुलियन वातायन दंड, डी शटर। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, शटर, उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स,
शटर कहते हैं। शुशिका पैनल और रेल के समुच्चय को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? शटर कहते हैं। जिसमें आपने देखा होगा, अपने डोर में देखा होगा कि ये शुशिका पैनल और रेल, मतलब कि स्टाइल पैनल एंड रेल्स लग का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा आपका? शटर कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टाइप ऑफ डोर यूज टू सप्लीमेंट द नेचुरल लाइटिंग प्रोवाइडेड बाई विंडो इज नोन एज डैश। एक प्रकार का दरवाजा जिसका उपयोग खिड़की द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्राकृतिक प्रकार के संपूरक के रूप में होता है डैश कहलाता है। तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि उसको क्या कहते हैं? ग्लेज्ड, ग्लेज्ड कांचित दरवाजा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ग्लेज्ड डोर। ग्लेज्ड डोर जो जानते हो कि आप उसको हम लोग सैश डोर भी कहते हैं, सैश डोर भी कहते हैं। ये आपने देखा होगा होटल शोरूम वॉच टावर और डांक बंगला वगैरह में लगा रहता है, देखा होगा आपने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। द वर्टिकल मेंबर यूज्ड इन अ डोर फ्रेम इज कॉल्ड। दरवाजे की चौखट में ऊर्ध्वाधर सदस्य को क्या कहते हैं? तो आपको बताया था मैंने कि उसको कहते हैं हम लोग, मैंने बताया था आपको पोस्ट कहते हैं, पोस्ट। उपस्तंभ जो फिगर दिखाई थी लास्ट पीछे वाले क्वेश्चन में, तो उपस्तंभ लिखा था उस पर, तो उसी को कहते हैं पोस्ट और उसी को कहते हैं खंभा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, पोस्ट या खंभा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ लेज्ड डोर द बटन आर सिक्योर्ड बाय हॉरिजॉन्टल सपोर्ट नोन एज डैश डैश। बटन दरवाजे में बटन जिस क्षैतिज सहारे से लगे होते हैं उसे डैश डैश कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर है ए ब्रेसिंग, बी लेजिंग, सी लेज और डी नन ऑफ द एवब। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, लेज्ड। आपने देखा भी होगा फ्रेंड्स, तो आपने, अब मैं बता देता हूँ आपको कैसा होता है, कुछ उसकी फिगर बना के यहाँ से बता देता हूँ मैं। कुछ इस टाइप का आपका डोर है, मान लीजिए कि आपका कुछ इस टाइप का ये डोर है। उसमें कहाँ बना होता है फ्रेंड्स? तो कुछ ये जो होता है इस टाइप में, यही आपका क्या कहलाता है फ्रेंड्स? लेजेस। ये जो आपका कहलाएगा यही आपका लेजेस कहलाएगा फ्रेंड्स, ये यही आपका कहलाएगा सिरा निरिक्षेप। इसको कहते हैं पुस्तवानी भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पुस्तवानी भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। व्हेन इट इज नॉट स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ होल फास्ट फॉर अ डोर इज यूजुअली। जब निर्दिष्ट ना हो तब एक दरवाजे के लिए होल फास्ट पकड़ कील की संख्या समानता लगाई जाती है। जब यहाँ पर हमने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने होल फास्ट का हम यूज करना है, तो आप जानते हो कि 6 का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सुनने आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, 6। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑन पैरेलल डोर्स टू अकाउंट फॉर एरिया द फ्लैट एरिया इज मल्टीप्लाई बाय। दिल्लेदार दरवाजों में क्षेत्र की गिनती के लिए सपाट क्षेत्र को गुणा किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है ए 1 फॉर ईच साइड, फ्रेंड बी आपका ऑप्शन है 1.5 फॉर ईच साइड, सी 1.2 फॉर ईच साइड। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, 1.2। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। As compared to top rail, the bottom and lock rail in a door frame are normally made. Door frame में top rail की अपेक्षा bottom rail lock सामान्यता बनी होती है। A option है आपका thinner पतली, thicker मोटी, और C option है wider चौड़ी, और D option है narrow संकीर्ण। तो friends आप जानते हो कि wider चौड़ी बनी होती है। ठीक है friends, next question की ओर move करते हैं friends। फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ विंडो। निम्न आकृति किस प्रकार की खिड़की को दर्शाती है? तो फ्रेंड्स आपको मैंने बना के बताया था, बे विंडो का अभी मैंने फिगर बनाया था पीछे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बे विंडो को ही बताते हैं हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसी को त्रिदिशा, तीन दिशाओं की ओर इसमें जा रहा होता है, तीन दिशाओं की ओर आप देख सकते हो, थ्री डायरेक्शन की ओर आप देख सकते हो, इस वजह से इसको त्रिदिशा भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। फ्रेंड्स इन एयर कंडीशन
बिल्डिंग. अ डोर हैज़ टू सर्व बोथ पर्पस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ डोर इज. वातानुकूलित भवनों में एक दरवाजे को खुलने तथा बंद होने के दोनों कार्य करने होते हैं तथा उसके लिए सबसे उपयुक्त किस प्रकार का दरवाजा होता है. तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि रिवॉल्विंग डोर जो होता है खुलने और बंद होने के लिए बहुत उपयुक्त होता है. तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, रिवॉल्विंग डोर. ठीक है फ्रेंड्स, घूमने वाला दरवाजा. ठीक है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं फ्रेंड्स. द इंटरनल वर्टिकल साइड ऑफ डोर एंड विंडोज ओपनिंग प्रोवाइडेड इन अ वॉल आर नोन एज. दीवार में दरवाजे एवं खिड़की हेतु आंतरिक दीवार के ऊर्ध्वाधर भाग को निम्नलिखित कहते हैं. आपके ऑप्शन है ए वर्टिकल्स ऊर्ध्वाधर, बी रिवील्स बाह्य पक्ष, सी जैम्स जैम पक्ष और डी होगा नन ऑफ दीज. तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जैम पक्ष. ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताया था, मैंने पीछे भी बता चुका हूँ मैं, वर्टिकली जो होगा आपका डोर में वो क्या कहलाएगा, जैम्स कहलाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर कुछ इस टाइप का होता है. तो आप समझ लीजिएगा, तो जो वर्टिकली होगा डोर विंडोज में तो आपको क्या कहलाएगा, जैम्स, जैम पक्ष कहलाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक रोलिंग शटर का फ्लैट एरिया क्षेत्रफल ए हो तो उसके एक तरफ पेंटिंग की मात्रा होगी. फ्रेंड्स आप जानते हो कि एक तरफ पेंटिंग मात्रा कितनी हो जाएगी, 1/4a. ठीक है फ्रेंड्स, तो 1/4a मींस कितना हो जाएगा आपका रोलिंग शटर का एरिया. रोलिंग शटर का एरिया 1/4, मतलब कि इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 5/4 हो जाएगा. 5/4 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 1.25. तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, 1.25a. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मूविंग पार्ट ऑफ द डोर इज नोन एज. दरवाजे का गतिशील भाग को क्या कहलाता है फ्रेंड्स, शटर. शटर कहलाता है जो आपका जो मूव कर रहा होता है वो शटर कहलाता है. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. दरवाजे व खिड़कियों के शटर या लीवर्स चाहे वे पैनल के हों या कांच के आदि के हों उनको नापने की इकाई क्या होती है. तो फ्रेंड्स जानते हो कि आप मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर मतलब, तो मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर, इसमें ऑप्शन में देखिए प्रति वर्ग मीटर कहाँ पर है, तो प्रति वर्ग मीटर कौन से ऑप्शन में है, ए में है. तो बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं. मेहराब, अब आपका यहाँ से आर्चेज स्टार्ट हो गए हैं, अब आर्च एंड लिंटल्स पढ़ेंगे. ठीक है फ्रेंड, तो आपको ऑप्शन, आपका क्वेश्चन है ये, मेहराब को आधार प्रदान करने वाली दीवार खंड को क्या कहा जाता है. तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि उसको क्या कहा जाता है, एबटमेंट, अंत्याधार कहा जाता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, एबटमेंट. ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसकी फिगर भी आगे वाले क्वेश्चंस में हम लोग दिखा देंगे कहां पर होता है और कैसे होता है, आपको बिल्कुल वहां पूरा क्लियर हो जाएगा. फ्रेंड्स ये लेक्चर जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसकी पीडीएफ पिक कर लेना, आप इसकी पीडीएफ रख लेना और इसको आप दोबारा से दोबारा लगाना, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए आंसर्स के पूरे और फिर से एक बार ज़रूर देखिएगा. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं फ्रेंड. द फंक्शन ऑफ कॉपिंग इज टू सर्व एज. कॉपिंग का कार्य है, तो फ्रेंड्स कॉपिंग का कार्य आप जानते हो कि पानी को पानी डालने के लिए दीवार के आवरण के रूप में कार्य करता है कॉपिंग. कवरिंग टू द वॉल टू थ्रो ऑफ वाटर. तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा. ये एक तरीके से आप जानते हो कि छत पे आपने देखा होगा कि जब आपका लिंटल पड़ जाता है तो फिर आप उस पर पानी भरते हो, तो वही पानी कवर करने के लिए कॉपिंग का कार्य कराया जाता है, कॉपिंग वर्क का कार्य कराते हैं. तो फंक्शन होता है कॉपिंग का, क्या फंक्शन होगा, फंक्शन यही होगा कि कवरिंग टू द वॉल टू द थ्रो ऑफ वाटर. ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. द ब्रेथ ऑफ द ओपनिंग विच कवर्ड बाय एन आर्च इज कॉल्ड एज. एक आर्च से ढके हुए खोल की चौड़ाई को कहा जाता है. तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि एक आर्च से ढके हुए खोल की चौड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं,
आर्च आप मान लीजिए आपका कुछ इस तरीके से है, तो आपका ये आर्च है कुछ इस टाइप में, तो ये पूरा पूरा ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, स्पैन, स्पैन कहलाएगा। तो क्या कहते हैं उसको हिंदी में, कहते हैं पार्ट स्पैन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, सॉरी डी, आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, स्पैन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। आप इसको देख भी लीजिए कि कैसा है स्पैन आपका, इसको फिगर आप देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक की जो होगा ये आपका स्पैन कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द इंटरनल कर्व ऑफ एन आर्च इज टर्म्ड एज, एक मेहराब का आंतरिक वक्र क्या कहलाता है। द अंडर सरफेस ऑफ एन आर्च इज कॉल्ड, किसी चाप के भीतरी पृष्ठ को कहते हैं। तो आप जानते हो फ्रेंड्स उसके भीतरी पृष्ठ को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बिल्कुल बिल्कुल आप समझ लीजिए कौन सा होगा, आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दीजिए, जल्दी से लिखिए इसका आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। बिल्कुल ये कौन सा है, ये सी ऑप्शन है, इंट्राडोज। अब आप इसको फिगर में भी देख लीजिए फ्रेंड एक बार, इंट्राडोज कहाँ पर होता है, तो फ्रेंड्स ये देखिए आपका इंट्राडोज है। समझ गए फ्रेंड्स, तो आपने क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन में क्या लिखा था, द अंडर सरफेस ऑफ एन आर्च इज कॉल्ड, अंडर सरफेस, ये आर्च है आपका कोई, तो इसमें अंडर सरफेस में कौन सा है, इंट्राडोज, यही तो है अंडर सरफेस। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपका क्या होगा, इंट्राडोज। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बिल्कुल सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, इन अ टू हिंज पैराबोलिक आर्च एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर विल, दो कब्जे वाले परवले डार्ट में तापमान वृद्धि से क्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, डिक्रीजेज द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, डिक्रीजेज हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बिल्कुल नहीं होगा। बी है इंक्रीज द बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट का तो कोई वो ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन, इंक्रीज द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ये होगा, और आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, मेक नो चेंज इन द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, 36 बल बढ़ोतरी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, 36 बल बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स। एक टू हिंज आर्च, अ टू हिंज आर्च विथ हिंज एट, एक दुई कब्जेदार डार्ट में कब्जे निम्नलिखित पर होते हैं। आपके ऑप्शन है ए, वन एट स्प्रिंगिंग एंड अदर एट क्राउन, एक स्प्रिंगिंग और दूसरे शीर्ष पर। बी आपका ऑप्शन है बोथ एट स्प्रिंगिंग, दोनों स्प्रिंग पे, तो बिल्कुल यही आपका ऑप्शन सही होगा, बोथ एट स्प्रिंगिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, टू हिंज आर्च विथ हिंज एट बोथ एट स्प्रिंगिंग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये दो जगह पर आया, UPPCL में भी आया हुआ है, MP सब इंजीनियर में भी आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो तरीके से आया है, एक ही क्वेश्चन है, दो तरीके से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है, डैश सपोर्ट द मशीनरी इन ओपनिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज, खिड़कियों एवं दरवाजों को खोलने में चिनाई की मदद करते हैं। ये UPPCL JEE 2016 में आया था, और यही क्वेश्चन थोड़ा सा इसको लैंग्वेज बदल करके आया हुआ था MP सब इंजीनियर में, तो इसका क्वेश्चन पूछने का कुछ अलग ही तरीका था। तो इसमें लिखा था, डैश इज अ बीम डैट सपोर्ट द ब्रिक वर्क ओवर ओपनिंग ऑफ डोर विंडो एंड पैसेज, तो एक धरन है जो दरवाजा खिड़की और गलियारे के ऊपर खुलने वाले स्थान पर ईंट के चिनाई का समर्थन करता है। तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि कौन समर्थन करता है उसका, मतलब कि कौन इसकी खिड़की एवं दरवाजे को खोलने में चिनाई की मदद करता है, तो लिंटल मदद करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए लिंटल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्राउन और इसकी बैंक के बीच का आर्क का निचला आधा हिस्सा क्या कहलाता है। तो आप जानते हो उसको हॉन्च कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, उसको हॉन्च कहते हैं, हॉन्च कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हॉन्च कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं. द आर्चेस सपोर्ट द लोड मेनली बाय. आर्चेस जो होते हैं सपोर्ट मेनली किसको करते हैं? एक्सियल टेंशन बिल्कुल नहीं होगा, एक्सियल टेंशन होगा नहीं. तो आपका थ्रस्ट ये होगा, शियर ये भी नहीं होगा, बेंडिंग नहीं होगा. तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा. बी बिल्कुल करेक्ट होगा, थ्रस्ट प्रणोद उसको हिंदी में कहते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ एन आर्च इज इक्वल टू द वर्टिकल इंटरसेप्ट बिटवीन. किसी मेहराब के किसी भाग पर बंकन आघूर्ण निम्न के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी के बराबर होता है. तो फ्रेंड्स आपका बेंडिंग मोमेंट पूछा है. बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन एट एन आर्च इज इक्वल टू द वर्टिकल इंटरसेप्ट बिटवीन. तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, द लाइन ऑफ अ थ्रस्ट एंड द सेंट्रल लाइन ऑफ द एक्चुअल आर्च. ये बिल्कुल नहीं होगा. बी ऑप्शन है, द बेस लाइन ऑफ आर्च एंड द लाइन ऑफ थ्रस्ट. ये भी नहीं होगा. द बेस लाइन एंड द सेंट्रल लाइन ऑफ द एक्चुअल आर्च ये भी नहीं होगा. तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, नन ऑफ द एबव. ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं. फ्रेंड्स डैश एंड आर्च में फेल बाय. डैश के कारण एक आर्च जो एक आर्च आपका हो जाएगा फेल हो जाएगा. तो आपका ऑप्शन है क्रशिंग ऑफ द मटेरियल. हाँ ये पदार्थ के अपघर्षण के कारण फेल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. एक पत्थर का दूसरे पत्थर पर सरकने के कारण. स्लाइडिंग ऑफ वन वॉइजर ऑन अनदर बिल्कुल सही, ये भी इससे फेल हो सकता है आपका आर्च. अनइवन सेटलमेंट ऑफ एब्यूटमेंट, अंत्याधारों की असम व्यवस्था, तो ये भी हो सकता है. तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इन तीनों के कारण ही फेल हो सकता है. तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, एनी और ऑल ऑफ द अबव. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डोम्स, गुम्बद बनाने के लिए, गुम्बद बनाने के लिए क्या करते हैं? ए आपका ऑप्शन है, भारी पत्थरों का प्राथमिकता दी जाती है, बिल्कुल नहीं. हल्के पत्थरों को प्राथमिकता दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है. पत्थरों को चयनित नहीं किया जाता है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा. आपका ऑप्शन ही बहुत सिली ऑप्शन दिया हुआ है इसमें. डी बोथ लाइटर एंड हैवियर स्टोन आर प्रिफर्ड. तो आपको ये भी ऑप्शन आपको लग रहा होगा सही है, लेकिन आप समझ सकते हो कि हम लोग क्योंकि हैवियर देंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम लोग लाइटर ही देते हैं. तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल करेक्ट होगा, ये भी आपका गलत ही हो गया. तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. द लिंटल आर प्रिफर्ड टू आर्च बिकॉज. लिंटल चाप की बजाय बेहतर मानी जाती है क्योंकि, क्योंकि ये आपका ऑप्शन है ए, आर्चेस रिक्वायर्स मोर हेड रूम टू स्पैन द ओपनिंग लाइक डोर्स विंडोज एक्सेट्रा. दरवाजे खिड़की जैसे खुलने वाले निर्माण की विस्तृति के लिए डांटों को अधिक ऊंचाई की आवश्यकता होती है. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो बिल्कुल सही है आपका कि इसीलिए तो. और बी आपका ऑप्शन है, आर्चेस रिक्वायर स्ट्रॉन्ग एब्यूटमेंट टू विथस्टैंड आर्च थ्रस्ट. डांट प्रणोद सहने के लिए डांटों को मजबूत अंत्यधार देने की आवश्यकता होती है. तो ये भी सही है. और सी ऑप्शन, आर्चेस आर डिफरेंट डिफिकल्ट इन कंस्ट्रक्शन, डांट निर्माण में मुश्किल होते हैं, इसीलिए लिंटल को ही हम लोग प्रिफर करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, आर्चेस बहुत मुश्किल से ही बनते हैं, बहुत मुश्किल होती है उसको बनाने में. ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट था, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव. ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. आप इसकी पीडीएफ जरूर कलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है पीडीएफ. और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक भी दी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, और फेसबुक का पेज भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, जिससे हमको कॉन्फिडेंस और आएगा और हम आगे और भी आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू.